ये हमने लॉक किया, ये आप देख सकते हैं ये हमने लॉक किया, ये हमने लॉक हो गया, ये देखो ये वाला डोर भी लॉक हो गया और ये हमने अनलॉक किया, ये हमारा अनलॉक हो गया, ये देखो ये इस तरह से इसके कुछ कनेक्शन। तो भाई लोग सब कैसे हो, आगे हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर, आज हमारे पास गाड़ी है मारुति की अल्टो K10 ओल्ड मॉडल वाली। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ब्लैक हैट की सेंटर लॉकिंग लगाएंगे और सेंटर लॉकिंग ये इसका यूनिट है और ये इसके साथ रिमोट है, ये आप देख सकते हैं इसमें फ्लिप की वाला रिमोट आता है ये देखो, और ये इसके साथ प्लेन वाला रिमोट है और इसमें लगेगी हमारी ये एक्चुएटर मोटर और ये है इसकी कुछ इस तरीके से वायरिंग और इसमें हमारी बंद डोर इसमें पहले ही लगी हुई है। हम एक बंद करेंगे, ये देखो ये बंद हो गया, हमने इस साइड से खोला, ये हमारा खुल गया, ये बंद किया ये बंद हो गया, ये हमने खोला ये खुल गया, तो ये सही करो इधर। तो ये इसकी वायरिंग है, इसके कनेक्शन सारे इसी ड्राइवर साइड हो जाएंगे, इसके कनेक्शन किस तरीके से करेंगे, कौन सी वायर कहाँ लगेगी इसको और इसकी मोटर कैसे फिट करेंगे हम आपको सारा बताएंगे। हम आपको पहले बताते हैं हमने वायरिंग के कनेक्शन कैसे किए हुए हैं, ये देखिए सारे कनेक्शन हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। ये हमने वायर बाहर निकाली हुई है रबड़ के अंदर से, मैं आपको वायर से दिखाता हूँ। ये देखो ये हमारा सैरन यहाँ पे आ गया है, ये इसका फ्यूज लिंक आ गया, ये इसकी सैरन की वायरिंग आ गई और ये पॉजिटिव हमने इसको यहाँ पे लगा दिया हुआ है और सैरन हमारा यहाँ लग गया है। और इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, इसकी वायरिंग कैसे ढूंढनी है वो हम आपको सारा बताएंगे। और इसमें एक हमारी इस यहाँ पे एक इसकी यहाँ पे हमारी मोटर लगेगी इसमें। तो अब इसके कनेक्शन कैसे करेंगे, कौन सी वायर कहाँ पे लगेगी मैं आपको पूरा बताऊँगा, कौन सी वायर कैसे चेक करनी है किस तरीके से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लिया एक टेस्टर उन फूल खरीद उनको सर, सबसे पहले हम क्या करें, हमने लिया एक टेस्टर के वायर को किया है हमने अर्थ और हम क्या करेंगे अपने चारों इंडिकेटर चलाएंगे और कटर की मदद से हम चेक करेंगे। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, जो इसमें ग्रीन और रेड कलर की लाइट, ग्रीन और रेड कलर की धारी होती है जिस वायर पे, तो वो होती है अपने एक इंडिकेटर की और जो दूसरे इंडिकेटर की होती है वो ग्रीन पे होती है अपने येलो धारी। ये देखो मैं जैसे चेक करके बताता हूँ मैं आपको, ये हमने यहाँ पे चेक किया, ये देखो ये वाला इंडिकेटर चलने लग पड़ा और जैसे ही हमने दूसरी वायर पे भी चेक किया ये ग्रीन पे रेड धारी, ये देखो ये इंडिकेटर चलना पड़ा। जैसे हम इंडिकेटर बंद करेंगे ये बंद हो गया, ये देखो ये बंद हो गया, जैसे हमने इसको चलाया ये देखो ये चलने लग पड़े, ये दो वायरें हो गई हमारी इंडिकेटर की। तो इसको जो हमारी ब्लैक हैट की सेंटर लगी है, ब्लैक हैट की सेंटर लगी में जो इंडिकेटर की वायरें होती है ये होती है ब्राउन कलर की, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। ये एक वायर हमारी ब्राउन कलर की एक इंडिकेटर के साथ लगी और जो दूसरी वायर है ये हमारी लगी ग्रीन और येलो के साथ, ये दो वायरें आ गई हमारी इसमें इंडिकेटर। अब इसमें एक वायर होती है ब्रेक की, ब्रेक की वायर कैसे चेक करेंगे, ये हमने टेस्टर लिया, ये इस पर आती है हमारी ग्रीन पे वाइट दारी, ये जैसे ही हमने इसको लगाया ये देखो ये हमारा बल्ब नहीं चला, पर जैसे ही हम पैडल प्रेस करेंगे ब्रेक का ये इसमें लाइट आ जाएगी, ये देखो जैसे हमने छोड़ा ये बंद हो गया, जैसे ही हमने इसको दबाया ये चल पड़ा, ये होती है हमारी ब्रेक की वायर। और जो ब्लैक हैट की सेंटर लगी होती है इसमें ब्रेक की वायर होती है हमारी ऑरेंज कलर की, ये हम लगा देंगे इसके साथ ग्रीन पे वाइट दारी के साथ। फिर एक आती है हमारी इग्निशन की वायर, इग्निशन की वायर कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, वो जो हमारे लॉक सेट है ये वो हमें इसमें मिल जाएगी, इसमें होती है ब्लैक पे वाइट दारी, मैं आपको चेक करके बताता हूँ, ये हमारी ब्लैक पे वाइट दारी, ये हमने इसको बल्ब को लगाया ये चल पड़ा। अब मैं जैसे ही इग्निशन बंद करूँगा ये बल्ब बंद होना चाहिए, ये मैंने इग्निशन बंद किया ये बल्ब बंद हो गया, जैसे मैंने इग्निशन ऑन किया ये हमारा बल्ब चल पड़ा, ये ब्लैक पे वाइट दारी जो है ये लॉक सेट के पास, ये हमारी इग्निशन की और इस पर हमारे सेटल लॉकिंग जो वायर है वो लगेगी हमारे वाइट कलर की। अब हम वो वाइट कलर की वायर लगा देते हैं यहाँ पर, ये देखो ये आपको दिख रहा होगा ये ब्लैक पे वाइट दारी, ये हमारी इग्निशन की वायर है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर डाल दूंगा इसको कुछ इस तरीके से और ऐसे ऐसे बंद कर दूंगा और यहाँ पे इसको इस तरीके से मैं इसको प्रेस कर लूंगा, ये लगी हमारी इग्निशन की वायर। अब इसमें डोर स्विच की वायर कैसे चेक करनी है, डोर स्विच की वायर भी मैं बताता हूँ आपको। अब इसमें डोर स्विच की वायर हम कैसे चेक करेंगे, जो ये है हमारी ब्लैक पे ऑरेंज, हम क्या करेंगे इसको कटर के साथ लगाएंगे, हम इसको ये हमने इसको लगाया और हम अपना डोर स्विच प्रेस करेंगे, जैसे हमने डोर स्विच प्रेस किया ये बल्ब हमारा चल पड़ा, ऊपर की लाइट बंद हो गई, दोस्तों सही। अब जैसे ही मैं डोर स्विच छोड़ूंगा ऊपर की लाइट चल पड़ेगी, फिर चले करो ये नीचे का बल्ब बंद हो गया, ये इस तरीके से डोर की वायर चेक होती है, ये इस तरीके से इसकी सारी वायरिंग चेक होती है। और जो हमारी सेंटर लगी है, सेंटर लगी पे हमारी ब्लू कलर की वायर जो होती है ये हमारी डोर स्विच की होती है। अभी हम इनको टेप करते हैं और इसकी हमने एक्चुएटर मोटर की जो वायरिंग करनी है
वो भी मैं आपको बताता हूँ इसकी मोटर कैसे लगी, कहाँ पे किस जगह में फिट होगी, इसकी मोटर फिट करके बताते हैं। सबसे पहले हम इसको अच्छे तरीके से टेप कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी इसमें ग्रीन कलर की वायर है ब्लैक एड की टाइटल लॉकिंग में, ये होती है हमारी रिवर्स गियर की। हम क्या करेंगे, हम इस वायर को खाली छोड़ देंगे, हम ये वायर नहीं लगाएंगे। तो क्या करेंगे, जो ये वायर है इन वायर को अच्छे से टेप कर देंगे हम। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें मोटर फिट करनी है। मोटर कैसे फिट होगी वो हम आपको बताएंगे। तो अब ये देख सकते हैं हमने मोटर कुछ इस तरीके से फिट की है। एक पेज हमने यहाँ पर लगाया और एक यहाँ पर, ये देखो ये हमने यहाँ पे अपनी मोटर लगा दी। और जो इसकी वायरिंग है, इसकी वायरिंग हमने अंदर अंदर से यहाँ पे करके डाल दी। हमारे सारे कनेक्शन हो गए हैं, इसको भी हमने सारा ये बंद कर दिया। ये खाली लास्ट में मैंने आपको दिखाना था कि मोटर हमने कहाँ इंश्योरेंस कैसे फिट की हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये मैं आपको ऐसे चेक करके बताता हूँ। ये देखो ये लॉक अनलॉक हो रही है, ये लॉक हो गई, ये अनलॉक हो गई। मैं आपको इसके सारे फंक्शन चेक करवाता हूँ। तो ये हमारे डोर वगैरह बंद हो गए हैं, पहले मैं आपको इसे चेक करके बताता हूँ। ये देखो ये लॉक किया, ये लॉक हो गई, ये लब्बा ये अनलॉक किया, ये अनलॉक हो गई, ये हमने लॉक किया। ये देखो डोर नहीं खुल रहा, ये हमने अनलॉक किया, ये देखो ये डोर खुल गया। अब सारे लोग मेरे को कमेंट में पूछते हैं कि ब्रेक वाली वायर अगर हम नहीं लगाएं तो क्या होगा। ब्रेक वाली वायर का काम क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। ब्रेक वाली वायर का क्या काम है, सबसे पहले हम इग्निशन ऑन करेंगे। ये हमने लगाई चाबी, इधर ये देखो ये हमारा इग्निशन ऑन हो गया 10 ग्लो लंबा मीटर पर। ये देखो ये मीटर पर लाइट आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 30 सेकंड ब्रेक कर 30 सेकंड हम वेट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी ब्रेक वाले पैडल को हम दबाएंगे और जो हमारी डोर है हमारे डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं, दबा कर देखते हैं कि 30 सेकंड हुए नहीं हुए। दरअसल तो जैसे ही हम ब्रेक प्रेस करेंगे, ये देखो ये डोर हमारे ऑटोमेटिकली लॉक हो गए। और जैसे हम इग्निशन ऑफ करेंगे, ये देखो ये डोर हमारे ये लॉक हो गए, ये डोर हमारे अनलॉक हो गए। ये फ़ायदा होता है ब्रेक वाली वायर लगाने का। और जैसे कि हमारी बहुत बार क्या होता है, हमारी गाड़ी के अंदर हमारी चाबी रह जाती है और हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। और अगर हमने ब्रेक वाली वायर लगाई होगी, चाबी हमारी ऑन भी होगी, तो हमारी जो गाड़ी है हमारी गाड़ी लॉक नहीं होगी। तब तक लॉक नहीं होगी जब तक हम ब्रेक को हम प्रेस नहीं करते हैं। तो ब्रेक वाली वायर का एक ये फ़ायदा है। तो भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो मैं अपने भाइयों से यही कहूँगा कि जो मेरे भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे क्या होता है, इससे हमें बहुत मदद मिलती है और हमें भी अच्छा लगता है। आप खुद देखते हो कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो जो भी मेरा भाई मेरी वीडियो देख रहा है, हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह हम आपके लिए और वीडियो लाते रहेंगे। ये हमने लॉक किया, आप देख सकते हैं ये हमने लॉक किया, ये हमने लॉक हो गया, ये देखो दीवार डोर भी लॉक हो गया और ये हमने अनलॉक किया, ये हमारा अनलॉक हो गया। ये देखो ये इस तरह से इसके कुछ कनेक्शन।